ने बोला, मुस्लिम पक्ष को बोला, आप एक वैलिड रीजन दीजिए और एक वैलिड कारण बताइए कि हम सर्वे पर क्यों रोक लगाएं, यानी सर्वे पर नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय पर हम क्यों रोक लगाएं, उसका वैलिड रीजन दीजिए। जब ढांचे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं हो रही और मैपिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एएसआई का सर्वे हो रहा है जिसमें पता लग जाएगा अगर वहां मंदिर नहीं हुआ होगा तो अवशेष कैसे मिल जाएंगे और अगर मंदिर होगा तो छुप कैसे जाएगा। देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए उसके बाद कुछ नहीं, नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे, तो कोर्ट ने भी नहीं माना वो तो। अरे नहीं कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो क्या माना, तो रोक लगा देता सर्वे पे, लोग लगा देता कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट नहीं मानेगा, सुन लीजिए फैक्चुअल है ये, पहला पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा, सर्वे करवाया बात कर रहे हो उसके बाद दूसरा, क्योंकि 1993 तक पूजा हो रही थी इस वजह से, अरे नहीं नहीं ये कोई आधार नहीं है, पूजा हो रही थी मार्शल लॉ, ये आधार नहीं है, ये आधार नहीं है, 1993 तक गलत नहीं है, 1993 तक की पूजा हो रही थी इस वजह से, आप फैक्चुअली बात ये है कि 250-300 साल, 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर में मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता है तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, गुवाहाटी आसाम के पास दान दे रहे थे मंदिरों को, हाँ हाँ मैं कोट कर रहा हूँ, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में, और सुन लीजिए चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं, औरंगजेब का जो सिपे सालार था उसका नाम बता दे, सुधांशु त्रिवेदी जी मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है, मेन जो उसका चीफ सिपे सालार था इतना नहीं है, आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा, सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला, अब मैंने बता दिया, ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूँ, उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है, जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार पेज नंबर 81, अब सुनो आगे, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84, अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88, और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96, आगे से ऐसे हवा में देखे, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए, मैंने कोड़ा मसीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाई जदुनाथ सरकार विद पेज नंबर, अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगे, चीफ कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है, अच्छा वो जो मैसेज आया उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी, आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा, अरे सुन लीजिए औरंगजेब के चीफ कमांडर का नाम अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं ना, उसके चीफ कमांडर का नाम था, उसके चीफ कमांडर का नाम था जो पूरी फौज का निर्णय लेता था, चीफ कमांडर का नाम था जशवंत सिंह, वो तो मिर्जा राजा सिंह थे भाई, गजब बात है, तो मिर्जा राजा सिंह थे, वो मानेंगे नहीं, अरे एक सेकंड, जो शिवाजी को भी बुला के लाए थे, क्या बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से मिर्जा सिंह पे बॉलिंग मैच करता है वहां तो मीना का ठीक रही है, ये बिल्कुल तरीका, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, अब रशीदी साहब की बारी है, सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं, अब झूठ का कोई प्रूफ होता है, आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार हूं, महाराज
झूठ सबूत तो देंगे कोई? के पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब ही नहीं लिखी गई वो? नहीं किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं। अरे इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ये बताइए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, सर्वे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, तो सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? इसका आप कन्विंसिंग जवाब दीजिए, गिव अ कन्विंसिंग आंसर। हमें दिक्कत नहीं है जी, फिर दिक्कत क्या दिक्कत सिर्फ है? इनको फिर कोर्ट क्यों गए? दिक्कत सिर्फ इनको है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में था, इन्होंने 92 में तोड़ दी, और इनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए हलफनामा दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उसको उनको जेल भी हुई एक दिन की, उस पर चीफ मिनिस्टर होते हुए हलफनामा देकर मस्जिद को तोड़वा दिया। इनको तो आदत है मस्जिदें तोड़ने की, इसको भी तोड़ने कार्रवाई में क्यों फंसे हुए हैं? 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ, 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ बायकादा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। मतलब यार ये तो ये होगा कि हम जिस देश में रहते हैं हम अपने मंदिरों को मार रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं दे रहा है, और हम यार सबूत के सबूत देने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।